प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट, वो सीट जहां पर लगातार भाजपा ने दो बार लहराया अपनी जीत का परचम। और इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन करेगा अपनी जीत दर्ज? इस बार विधानसभा में जनता किसकी करेगी सीट पक्की? और इस बार विधानसभा में जनता किसकी करेगी छुट्टी? ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट पर। मैं तृप्ति, मैं डिंपल, लेकर आए हैं फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट जहां पर लगातार दो बार भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की, लेकिन इस बार कांग्रेस, बीजेपी या किसी और के लिए भी इस सीट को जीतना चुनौती होगी, लेकिन इस बार भाजपा को ही दोबारा मौका मिले, इसके लिए क्या ऐसे खास मुद्दे? पुनः इस बार भाजपा तिगड़ी के साथ जीतेगी और भारी मतों के साथ जीतेगी। राजस्थान की सरकार परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन निश्चित है। पिछली बार 153 जीते थे, इस बार फिर 153 जीतेंगे और यह पूरे गर्व के साथ कहते हैं। तृप्ति, इन्होंने कहा कि जीत पक्का होगी, तीसरी बार भी भाजपा आएगी, लेकिन किन मुद्दों पर आएगी वो भी? बिल्कुल, वो मुद्दे भी जानेंगे, क्योंकि देखिए लगातार दो बार भाजपा आई है, तो इस बार कांग्रेस जनता से किन मुद्दों पर वोट की अपील करने वाली है? जनता के पास सीधे मुद्दे हैं। इतने वर्षों में पूर्व बीजेपी सरकार थी, उसके पश्चात भी उन्होंने आज तक किसी को पट्टे नहीं दिए। राजस्थान में पट्टों की भरमार कर दी है, महंगाई से लोगों को राहत दी जा रही है। सिलेंडर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1100 रुपये किया गया, उसके पश्चात भी राजस्थान सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर गरीब जनता को दिया है। तीसरा, यहाँ पर रोजगार दिया गया कांग्रेस द्वारा, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने देखिए जन आक्रोश रैली की, वो असफल रही। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके अगेंस्ट इन्होंने कोशिश की कि आक्रोश रैली करके उस रैली को डिस्पोज किया जाए, पर वो रैली इनकी असफल रही। तो जनता का मैसेज क्लियर है, यहाँ पे आबू पिंडवाड़ा में कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से हमारी सरकार, हमारे MLA नहीं जीत सका, पर पूर्ण रूप से तीनों के तीनों MLA जीतेंगे, गारंटेड। डिंपल, जो कहा जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के बल पर इस बार चुनाव जीतेगी, जो पट्टों वाली योजना है या फिर जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जो यहाँ सड़कों की, वो उन्हीं के ऊपर इस बार अपना वोट दर्ज करेंगे। देखिए कांग्रेस के पास योजनाओं के मुद्दे हैं, लेकिन इस बार दोबारा भाजपा है, ऐसे कौन से यहाँ काम हुए हैं भाजपा के विधायक होने के बावजूद, वो काम जरा पूछना चाहेंगे हम। बिल्कुल, अभी मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। इन्होंने राहत कैंप किया, 4 साल कहाँ थे, 4 साल कौन सी महंगाई नहीं थी, आज वो जब चुनाव वर्ष आया है तो उसके अंदर इनको महंगाई राहत दिख रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस आपसी फूट के अंदर, आप देख सकते हो प्रदेश के अंदर सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाया है। 1 साल पूरे कांग्रेस होटलों के अंदर चली है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जनता की भावना की कदर नहीं की। आखिरी मूवमेंट के अंदर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, 500 रुपये की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना के अंदर बात करते हैं, क्या आम BPL परिवार को उससे लाभ मिला है? नहीं मिला, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पेंशन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी उसके ऊपर उसी को वापिस एनरोल कर रहे हैं ताकि उनका नंबर बढ़ सके। कौन सी योजना, सारी योजना हमारी थी। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, हमने भामाशाह किया था, उन्होंने नाम बदला है। ये सारी बीजेपी की अच्छी योजना थी, कांग्रेस सिर्फ नाम बदलती है, जनता के जमीन पे काम नहीं करती। तृप्ति, भाजपा का कटाक्ष है कि लगातार जो है भाजपा काम करती है, ये कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और आपसी फूट के कारण जो कि है कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही, यही कारण एक माना जा रहा है। जरा डिंपल, इस बात का जवाब मैं यहाँ से जानना चाहूंगी, भाई विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि उनकी जो योजनाएं थी उनका सिर्फ नाम बदला गया है कांग्रेस में, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए जनता जनार्दन है, जनता का जो बहुमत मिलेगा वो हमें स्वीकार रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो इस वित्तीय वर्ष और आने वाले बजट में और अगले 2 बजट में जो आम जनता को जो राहत दी है, जैसे महंगाई राहत कैंप, जिस ढंग से यहाँ के किसानों का कर्ज माफ़ किया, जिस ढंग से यहाँ के चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख का जो आम जनता को जो लाभ दिया, उसके बाद में 10 लाख का मेडिकल क्लेम, 25 लाख का मेडिकल क्लेम और 10 लाख का दुर्घटना बीमा और ऐसी कई अनेक योजना, उसके बाद में जो प्रशासन शहरों के संग जो कैंप चला उसमें जो लाभ का जो आम जनता जो जूझ रही थी, जिसको जो अपना परिवार के लिए अपना हक चाहिए था उसको नहीं मिल रहा था, पिछली सरकार ने प्रशासन शहरों के संग कैंप नहीं चलाया, उस कैंप का जो खामिया जाए उस सरकार को भुगतना पड़ा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस योजना का आम जनता के लिए लाभ दिया, उस योजना के लिए आज भी जनता जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मान रही है और कांग्रेस सरकार को मान रही है, उसका फायदा हमें मिलेगा, उसकी आशा के साथ कह रहे हैं। और मैं पिछला और कहूँगा कि जो
पिछली दो बार से यहाँ से विधानसभा चुनाव जो हमारे एमएलए बीजेपी के एमएलए जो जीत के गए वो एक उपलब्धि इस माउंट आबू के लिए बता देवे, कम से कम एक उपलब्धि बता देवे तो मैं इस स्वीकार करूंगा और मैं बोलूंगा कि बीजेपी सरकार ने बीजेपी ये एमएलए ने इसमें काम किया। सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सालगांव डैम की योजना दी, किचन पार्किंग योजना दी, पोलो ग्राउंड के लिए बजट दिया जो कि ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है, न कि भाजपा के एमएलए की देन है। डिंपल अगर मैं कहूँ तो जो कांग्रेस है वो अपने करे हुए काम और जो बजट में सीएम ने दिया है उसको लेकर बहुत आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट जरूर देगी, क्योंकि बहुत सी योजनाएं, बहुत सी जो चीजें हैं वो इस बार कांग्रेस की ओर से की गई हैं। देखिए कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के विधायकों ने यहाँ पर काम नहीं किया, लेकिन इस बार जो कांग्रेस की ऐतिहासिक घोषणाएं थी, चाहे वो चिरंजीवी योजनाओं को लेकर हो, शिक्षा के क्षेत्र में कही करी हो और आगे जो जनता को महंगाई से राहत देने की बात कही गई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई कांग्रेस का कहना सही है? देखिए पिछले 75 सालों से देश की जनता कांग्रेस के जो ये मन लुभावने वादे हैं ये अच्छी तरह से देख रही है। तृप्ति जरा पूछिए क्योंकि ये तो चुनावी दौरा था नहीं, भाजपा का ये कहना है, क्या कहना चाहेंगे वो? बिल्कुल चुनावी दौरे की बात जो यहाँ से की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे इस बार राहुल गांधी का जो दौरा? राहुल गांधी जो अभी डिसीजन लिया इस बार अच्छा लिया, हर शहर हर मोहल्ले में जो आक्रोश रैली बीजेपी निकाल रही थी उसके विरुद्ध हर मोहल्ले में हर व्यक्ति से राहुल गांधी मिल रहे हैं, उससे जनता को लाभ हो रहा है, जनता को राहत। डिंपल इस बार एक चीज देख लेते हैं कि वो मुद्दे जान लेते हैं जिस पर ये प्रतिनिधि विधानसभा में अपनी जीत को पक्का करना चाहते हैं, अपनी सीट रखना चाहते हैं, वो मुद्दे जरा इनसे पूछिए। क्या अच्छा अगर यहाँ की बात करें, भाजपा विधायक यहाँ पर रहे हैं लगातार, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें, विकास की बात करें, कौन से ऐसे खास मुद्दे रहे जिनको लेकर काम? जिस जगह हम खड़े हैं इधर कांग्रेस का बोर्ड है और जिस गार्डन में खड़े हो उस गार्डन की दशा देख सकते हो, किस विकास की बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस का बोर्ड है और इस गार्डन की हाल देख लो, नक्की माउंट आबू का स्वर्ग कहा जाता है, टूरिस्ट प्लेस है, एक पेड़ नहीं है, ये इनका विकास है। हमारे विधायक की बात करते हैं, हमारे विधायक ने जनता के लाभ के कार्य किए, टीएसपी को किसने रजिस्टर किया? हमारे विधायक ने। आप बताइए आपका क्या काम किसने किया? हमारे विधायक ने, हमारे साथी ने कहा कि डैम की जो शालगांव डैम की परियोजना जो है वो माननीय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की देन है, पर आपको मैं थोड़ा अवगत करवा देता हूँ इस चीज से कि हमारे माननीय सांसद महोदय जो है देवजी भाई पटेल जिन्होंने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था और संसद से ये प्रस्ताव पास करवाया था और जब जाके और ये जितनी भी बातें कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं या कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के पास तृप्ति, कांग्रेस के पास बजट का मुद्दा है, भाजपा के पास यहाँ पर विकास नहीं होने का मुद्दा है, वो विकास के मुद्दे आप पूछना चाहेंगे? नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, विकास के मुद्दे बताइए, किस मुद्दों पर वोट करेगी जनता? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो राजनीति पिछले 70-75 सालों से परिवारवाद की राजनीति जो चल रही थी, उस राजनीति को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, देश के आम व्यक्ति को जब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी भी ऊपर के पद पे नहीं जाने का मौका मिलेगा, आप बताइए देश के लोगों का आगे ड्रीम कैसे बिल्ड होगा? दूसरी बात, अगर आप नरेंद्र मोदी जी की पिछले 9-10 सालों में जितनी भी योजनाएँ आप देख रहे हैं उनमें आप देखिए गरीब जनता के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं। अगर आप देखें तो सिलेंडर की योजना जो है, अगर आपकी माताजी मान लीजिए कि सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे उस धुएं में अगर वो अपना घर का खाना बना रही हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर कितना असर पड़ रहा होगा? एक छोटा सा जो सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है, कितनी माताओं और बहनों को उनके साथ उन्होंने जोड़ा होगा, क्या ये एक योजना नहीं है? उसके बाद जो पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, पूरे देश में जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, आप देखिए आज जितने भी बड़े बड़े जो खंभे प्रोवाइड करवाने वाले लोग हैं, ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवाने वाले लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं पिछले 9-10 सालों में हमारी इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा दिया। देखिए तृप्ति, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस के राजस्थान को लेकर योजनाओं को लेकर हो या फिर केंद्र की दी हुई भाजपा की योजनाएं हो, तो इनसे पूछिए इनके अलावा ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे काम होगा जो जनता को अब तक विकास के मुद्दे देखने को नहीं मिले। पक्ष विपक्ष पर कटाक्ष कर रहा है और ये कहना भी सही है कि यहां पर विकास कहां पर है, कई जगहों पर विकास तो नहीं दिख रहा है, तो इस बार जनता से वोट की अपील किन मुद्दों पर करने वाले हैं? जनता से अपील तो विकास के मुद्दे पे ही होगी और जैसा हमारे साथीगण ने कहा कि भामाशाह योजना का नाम परिवर्तित करके चिरंजीवी कर दिया है, तो भामाशाह योजना तो सीमित लोगों को कवर करती थी, चिरंजीवी योजना पूरे राजस्थान के एक एक आदमी को कवर करती है। मात्र 850 रुपये में 25 लाख का मेडिक्लेम दिया जा रहा है,
इस तरह से भामाशाह योजना और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना जिसमें मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है आम आदमी को, ये भी एक ऐसी योजना है जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आम जनता। बिल्कुल डिंपल, इनके सवाल का जो जवाब है वो सीधी तरीके से यहाँ पे दिया जा चुका है कि जो ये कह रहे थे कि भाई योजनाओं के नाम बदल दिया, ऐसा नहीं है, योजनाओं में परिवर्तन भी है, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो या फिर भामाशाह जो कि अब चिरंजीवी में ये काउंट कर रहे थे। तृप्ति, युवा भी हमारे साथ है, युवाओं से पूछना चाहेंगे कि इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे जो युवा यहाँ पर मौजूद है। देखिए मोदी जी को हम तो वोट शुरुआत से सपोर्ट करते हैं, मोदी सबसे बेस्ट है हमारे लिए। अगर इस विधानसभा सीट की बात करें और क्या आपकी उम्मीद है कि आने वाले समय में काम होगा उन चीजों पर? देखो विकास जो है हर एक कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, विकास सभी जगह लिमिटेड है। पर जैसे कांग्रेस ने बात की पोलो ग्राउंड को लेकर के, तो पोलो ग्राउंड के अब जाके एक बार वहाँ की जो दशा है वो देखिए, वहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया जो बच्चों के लिए खेलने जो चीज सारी टूटी पड़ी, वहाँ पर कुछ भी इतना कुछ है नहीं। देखिए तृप्ति, युवाओं को कहना है कि अगर उनको विकास चाहिए, दोनों ही पार्टियाँ लगातार विकास करती आई हैं, लेकिन उनका एक तरह से वोट समक्ष है कि वो इस बार भाजपा को वोट देंगे। पूछे जरा कि और क्या विकास के मुद्दे? बिल्कुल, दोनों पार्टियाँ लगातार अपने विकास की बातें यहाँ पर करी कि भाई हमने ये किया, तो इस बार आप क्या कहेंगे कि इस बार क्या जनता के लिए कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, किन पे जनता आपको वोट देंगी? इन्होंने पहले आक्रोश रैली निकाली थी बीजेपी वालों ने, तो किस बात का इनको आक्रोश था और किस लिए इन्होंने रैली निकाली थी, जबकि इनके संग में जनता ही नहीं जुड़ी आक्रोश रैली में, क्योंकि जो सीएम साहब ने इनको दिया है जनता को राहत कैंप के अंदर, वो जनता उससे खुश है और खुद बीजेपी वाले भी उसमें फायदा ले रहे हैं। डिम्पल, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो खुद कांग्रेस की योजनाओं का फायदा ले रही है, तो जरा इनसे पूछिए कि कांग्रेस की योजनाओं का फायदा कितना यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। जनता से भी बात करिए और बीजेपी से भी पूछिए कि क्या ये उन योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। देखिए भाजपा का कहना है कि जनता पूर्ण रूप से उनके साथ है और पूरे तरीके से जो वोट है उनको देगी विकास के मुद्दे पर। और ऐसे क्या खास मुद्दे रहने वाले जिसके तहत भाजपा को ही इस बार वोट मिले किसी विधानसभा सीट से? देखो भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 उठाई है, देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम किया है। आज तक की जब यूपीए सरकार थी कितने आतंकवादी दंगे होते थे भारत देश में, मोदी जी के आने के बाद में आज तक कोई ऐसा दंगा हुआ है जो हाई चर्चित रहा हो? उसके बाद में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया, जिन्होंने कोर्ट में बोलते थे कि भगवान के प्रमाण लेके आइए। लेकिन एक और मेरा सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पे लड़ाई केंद्र और राज्य की नहीं है, राज्य में ही जो उम्मीदवार होंगे चाहे विधानसभा सीट पर होंगे उनकी लड़ाई आखिर क्यों है, उनको लेकर विकास के मुद्दे? देखिए सबसे पहले अगर राज्य व्यवस्था की बात की जाए, जिस वसुंधरा सरकार की बात करें, हम भाजपा सरकार की बात करें और आज के अशोक गहलोत जी सरकार की अगर हम बातचीत करते हैं तो क्राइम रेट की बात करते हैं, आज की डेट में ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना युवाओं के रोजगार के मामले में सुरक्षित हैं। जिस टाइम पे परीक्षा होती है उससे 10 से 15 दिन पहले राज्य व्यवस्था मिलके पेपरों को सड़कों पे भेज देती है। पूरे भारत में महंगाई दर की अगर बातचीत की जाए, आज के समय में हम बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई हटाने की बातचीत कर रहे हैं, आज के समय में पेट्रोल डीजल देख लें, किसी भी तरीके की अगर व्यवस्था देख लें, मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है। यहाँ पे युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। इवन प्रधानमंत्री की जो योजना थी किसान परिवारों के लिए, जो 6,000 रुपये किसान परिवारों को ईयरली दिया जाता था, उसके लिए भी सरकार ने गतिरोध पैदा किया और उसमें भी इन लोगों ने बहुत सारी कमियां निकाली। और देखिए तृप्ति, विकास के मुद्दे इनके पास है, लेकिन इनसे पूछिए जरा कांग्रेस वालों से कि क्या महिलाओं और जो हर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं, किसान हो या युवा हो, उनके लिए क्या खास ऐसे विकास के मुद्दे रहे जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? चलिए युवाओं से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार रीट का जो मामला था लगातार विपक्ष की ओर से बोला जा रहा था, तो रीट को लेकर क्या कहेंगे? इतनी बेरोजगारी, रोजगार तो रीट का मामला भी है, रोजगार का मामला है। रोजगार में देखा जाए तो 125 दिन का गहलोत सरकार ने रोजगार दिया, ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने 125 दिन का रोजगार दिया हो। यहाँ पर पूरे माउंट आबू के अंदर एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आप यहाँ नक्की लेक पे देख रहे हैं, यहाँ छोटे से छोटा रोजगार वाला बैठा यहाँ पर कमारा खा रहा है। बीजेपी सरकार थी जब लोगों को परेशान इतना करा था कि हर युवा परेशान था, यहाँ पर कोई ऐसा युवा परेशान नहीं था इतना कि आज यहाँ बैठ के मामला जो है वो भी लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितने रीट की बात हमारे ऊपर डाल रहे हैं ना, तो इनका देखा जाए कि भविष्य देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा ना चीटिंग पेपर जो लीक हुए हैं ना वो मोदी सरकार में हुए हैं। परसेंट रेट उठा लो, 80 से 85% है ना इन लोगों के अंतर्गत हुए हैं। आज की तारीख में देश का युवा और महिलाएं अभी तक है ना संतुष्ट नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इनको बस एक ही मुद्दा चाहिए कि कांग्रेस को किस तरह से टारगेट किया जाए।
युवाओं को, बेरोजगारों को, ये कह रहे हैं ना हम बेरोजगारों पे काम कर रहे हैं, क्या काम किया इन लोगों ने? अभी तक कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है। और रहा ये बात है तो 5 साल पहले इनकी भी सरकार थी, तो इन लोगों ने क्या करा है? ये खड्डा इनके भी समय था, आज चलो हम लोगों के ऊपर ये डाल रहे कि हम लोगों ने खड्डा करा है, पर 5 साल पहले ये भी सरकार थी, इनकी सरकार थी और इनके ही सारे थे, पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग इधर से उधर डाल रहे हैं। रीट का जो मामला है उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो लगातार ये कटाक्ष बोल रहा है कि भाई जो पेपर लीक हुए हैं वो मोदी सरकार के टाइम पे भी हुए हैं, परसेंटेज उठा के देख लीजिए, ये इनका कह रहा है डिंपल। इस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले इतने सारे जो मुद्दे अभी तक सुने हैं, पक्ष का अलग कहना है, विपक्ष का अलग कहना है लगातार, क्योंकि जनता है इस बार वोट पे फैसला करेगी। लेकिन और भी मुद्दे हम जारी रखेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, जो मोदी सरकार के टाइम के अंदर जितना रोजगार मिला है, मेक इन इंडिया का उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा आज हमारे जो युवा हैं जो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है कि मेक इन इंडिया का काम हो रहा है। अब हमारे देश के अंदर ट्रेनें बनती है, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, कई चीजें आज हम खुद बना रहे हैं, हमने वैक्सीन बनाई है जो हम इंपोर्ट करते थे। हमारे अगर काम पूछोगे तो ये सुनते सुनते थक जाएंगे, हमारे काम तो अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। अभी 2023 है, 2024 भी हमारा होगा। तृप्ति, यहाँ पर लगातार जो मुद्दे हैं वो इतनी देर से सामने तो आ रहे हैं, लेकिन जरा इनसे भी पूछना चाहूंगी, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक भाजपा के कार्यकाल में आपने को देखने को मिले और अब चाहते हैं कि आगे जो विकास के मुद्दे बरकरार रहेंगे महिलाओं के लिए स्पेशली? पहले भी 5 साल सरकार रह चुकी है, क्या किया सरकार ने बताओ? पहले भी रही ना सरकार, इनका बोर्ड था, खुद का बोर्ड था, क्या किया इन्होंने? आपसे पूछना चाहेंगे महिला सुरक्षा के लिए क्या खास काम हुए हैं? महिला सुरक्षा तो यहाँ पर तगड़ी है और हम हमारी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार में ये सब लूटपन हो रहा है, कोई कांग्रेस सरकार में लूटपन नहीं हो रहा है। राजस्थान को उठा के देखो, वहाँ क्राइम नहीं है, केंद्र में ही है क्राइम, जितना भी क्राइम है केंद्र सरकार में क्या? तृप्ति, तृप्ति कहना इनका कि जो क्राइम है, जो मेन जो दर है अपराध की, वो ज्यादा केंद्र में है बल्कि राज्य में नहीं है। पूछिए जरा क्या सच है कि क्या झूठ? बिल्कुल, ऐसा करते हैं, इसका जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं इस बार किसको मौका देने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी चाहिए, बीजेपी, 2024 में बीजेपी, बीजेपी। जो यहाँ पर जनता का रुझान है इस तरफ, तो मैं कह सकती हूँ बीजेपी। देखिए लगातार जो विकास के मुद्दे हम सुन रहे हैं, बात यहाँ पर मैंने पहले फिर से दोहराना चाहूंगी, बात यहाँ पर केंद्र और राज्य की लड़ाई नहीं है, बात यहाँ पर राज्य की सीट पर, जो विधानसभा सीट है उन पे कौन जीतेगा, विधानसभा सीट के मुद्दे बोलना चाहे तो क्या ऐसे विकास के मुद्दे होने वाले जो आगे रहेंगे? मैडम जी, मैं गुजरात से हूँ, पानी को तरसता था हमारा गुजरात, मैं एक किसान, जो छोटे किसान का बेटा हूँ, आज मैं इतनी मेरी इनकम हो गई है कि मैं यहाँ हिल स्टेशन पे घूमने आ सका। बात यहाँ की विधानसभा सीट की करेंगे, इस विधानसभा सीट की बात, इस विधानसभा की सीट की बात। अरे पाटी साहब बोलने दो, मैं पिछले 20 सालों से इसी की सटीक विधानसभा है, वहाँ भाजपा है, हमारा एमपी 15 साल से भाजपा का है। इस सिरोही जिले में कांग्रेस के पास माउंट आबू नगर पालिका को छोड़कर कुछ नहीं है, इस जिले ने पूरे भाजपा को नकार दिया है। अब भाई महिला सुरक्षा की बात, तो 3 दिन पहले जोधपुर की महापौर जो कांग्रेस की है, उसने अपनी एफआईआर वहां पुलिस में दर्ज कराई कि मुझे डर लग रहा है, मुझे गुंडे धमका रहे, जब इन्हीं की महापौर कांग्रेस। अपराध के ऊपर अलग मुद्दा है, अपराध के ऊपर अलग मुद्दा है, पूछिए सर इनसे। नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, रुकिए अपनी बात कहने का, वो रखिए, रुकिए 2 मिनट, क्या कहेंगे? जंतर मंतर में जो युवा पहलवान बैठे हुए हैं, वो उनका शोषण बीजेपी के सांसद ही कर रहे हैं, ये कौन सा देश का न्याय है? सबका न्याय तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। अभी हमारे कोई गुजरात के भाई आके बोले कि मुझे पहली बार आबू में मिलना, तो क्या पहले आबू में घूमने का मना था क्या? क्या पहले में माउंट आबू बैंड था क्या? तो 10 साल से यहाँ के विधायक थे, तो क्यों नहीं किया यहाँ की व्यवस्था? महिला सुरक्षा की ये लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं के आप इतने वर्षों का रिकॉर्ड उठा के देख ले हैं कि कितने बीजेपी सांसद
बीजेपी एमपी कितना एक मिनट यार चुप रहना हो भाई चुप रह। देखिए साहब आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख ले इनके बीजेपी सांसद बीजेपी एमएलए बीजेपी एमपी कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं रेप के कितने केस हैं आज आप रिकॉर्ड उठा के देख ले। अगर ये महिला लगातार जो ये मुद्दे हैं वो हम सुन रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बातचीत हो रही है लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी कि अब तक जितनी भी बातें करी अब पूछा जाएगा एक मुद्दे पर एक वोट किस मुद्दे पर इस बार वोट देगी जनता और किस मुद्दे पर भाजपा दावा करेगी वोट का। आप पूछेंगे सिर्फ एक लाइन एक मुद्दा और आपको बताना होगा कि आपकी पार्टी किस मुद्दे पर वोट की अपील करने वाली है सिर्फ एक लाइन में जवाब दी जाएगी। तो चलिए डिंपल शुरुआत कीजिए। एक मुद्दा जिस पर वोट इस बार भाजपा को मिलना चाहिए महिला सशक्तिकरण और युवा महिला सशक्तिकरण। चलिए महिला सशक्तिकरण को विकास को लेकर मांगी जा रहा है वोट का अपील आप क्या कहेंगे। हमारी अपील एक ही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया है राजस्थान में यहाँ से भी विकास को लेकर ही वोट की अपील की जा रही है भाजपा को दोबारा दोहराने के लिए क्या विकास का मुद्दा। विकास विकास और विकास 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 और विकास तृप्ति विकास के अलावा विकास तो आप बोल ही रहे विकास कर रहे हैं नहीं वो लेकिन आप बताइए एक लाइन एक मुद्दा किस बात पर वोट मांगेंगे। माननीय अशोक गहलोत जी की अशोक गहलोत द्वारा जो अभी डिसीजन लिया गया जो महंगाई पे मार जो सबको सरकार सबका सबका अधिकार योजनाओं को लेकर यहाँ पर वोट किए जा रहे हैं की मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं लाई गई है उसको लेकर वोट की अपील करेंगे। मुद्दा एक मुद्दे पर पूछना चाहे कौन सा एक मुद्दा जो विकास के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा जिस पर वोट। किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है एक मुद्दा मैं अगर एक लाइन में बात जवाब होती है सुरक्षा। सुरक्षा अगर आपके प्रदेश में होगी सुरक्षा का मुद्दा तृप्ति सुरक्षा का मुद्दा इनके पास है। देखिए नारेबाजी से कुछ नहीं होगा नारेबाजी से कुछ नहीं होगा एक लाइन एक मुद्दा किस बात पर वोट मांगेंगे। युवा चेहरे के ऊपर देखिए जो यहाँ पर युवा चेहरा है उसको लेकर यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है डिंपल और आपसे मैं जानना चाहूँ तो इस बार क्या मुद्दा किस बात पर वोट मांगेंगी। क्या इस बार कौन से मुद्दे पर वोट मांगेंगे। हम तो विकास के कार्य है क्योंकि मोदी सरकार ने क्या राजस्थान में एक लाइन में जवाब चाहिए एक लाइन में जवाब चाहिए किस कार्य पर किस मुद्दे पर इस बार वोट मांगेंगी। विकास के कार्य पे लगातार एक ही चीज कही जा रही है कि भाई विकास को लेकर ही यहाँ पर वोट मांगा जाएगा। इस बार आप बताइए एक मुद्दे पर वोट एक मुद्दे पर ये विकास एक मुद्दे पर वोट किस मुद्दे पर वोट भाजपा को मिलना चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में इस बार तृप्ति वोट देगी। भाई विपक्ष में कहना है कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो वोट की अपील है यहाँ पर की जाएगी उसको लेकर क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार का विरोध जो यहाँ पर किया जा रहा है क्या कहेंगे इस बार कौन सी जनता कौन सी पार्टी चाहिए कांग्रेस या बीजेपी। बीजेपी ओनली बीजेपी और मोदी जी। देखिए और यहाँ पर अगर विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है दोनों पार्टियों का कह रहा है कि विकास हो रहा है डिंपल और मुद्दे जरा जानने की कोशिश कीजिए किस मुद्दों पर इस बार विपक्ष एक पार्टी बाबूजी आपसे पूछना चाहेंगे किस मुद्दे पर इस बार वोट देगी कौन सी पार्टी। लेडीज का मेन है ना सशक्तिकरण है फीमेल सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण किसको वोट देंगे। हम तो देंगे महिला को देंगे महिला को बीजेपी को वोट देंगे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर। महिला सशक्तिकरण को जो को लेकर वोट देने की बात जनता कर रही है तो इसको लेकर क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर वोट देगी इस बार जनता। राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के लिए अनेकों योजना निकाली है जैसे गैस सिलेंडर और ऐसे कई अनेकों योजना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी योजना निकाली है और उसी मुद्दे पे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो इस राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ की जनता को जो देन दिए उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। अगर यहाँ पर बात सुनी जाए तो लगातार जो सीएम द्वारा यहाँ पर काम किया गया योजनाएं लाई गई है उसको लेकर पार्टी आश्वस्त है और उसी मुद्दे को लेकर इस बार वो वोट की अपील करने वाली है। इस बार क्या विकास का मुद्दा एक मुद्दा ऐसा जिस पर वोट इस बार भाजपा को मिलना चाहिए। मेक इन इंडिया जो भी चीजें मेक इन इंडिया उसके ऊपर सब वोट मिलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर इंडिया नहीं सिर्फ विधानसभा सीट की हो रही है अगर इस विधानसभा सीट पर भाजपा दोबारा दोहराई जाए क्यों दोहराई जाए। इस पे जो डेवलपमेंट टूरिस्ट प्लेस है उसके ऊपर विकास डेवलपमेंट यानी विकास का मुद्दा तृप्ति और लगातार जो कि देखा जा रहा है कि जो मुद्दे सामने आ रहे हैं और भी ऐसे मुद्दे हैं जरा जानने की कोशिश कीजिए किस मुद्दों पर वोट देंगे। आपसे जानना चाहे तो इस बार किस मुद्दे पर किस एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर भाई आपकी पार्टी वोट मांगने वाली कौन सा मुद्दा। राजस्थान सरकार ने तो काम बहुत ही किए और हमें एक लाइन में बताइए क्या बोलना चाहेंगे इस बार जनता से कि क्या करेंगे आप ताकि वो आपको वोट दे। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे ये कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो रही है
ये देखिए विकास का मुद्दा लगातार जो दोनों ही पार्टियों से करा जा रहा है कि भाई विकास को लेकर इस बार वोट मांगे जाएंगे, तो यही वो मुद्दे डिंपल, और कह सकते हैं कि विकास को लेकर दोनों आश्वस्त है कि भाई विकास होगा तभी यहाँ पर जनता उन्हें वोट देगी। देखिए तृप्ति, लगातार जो कि मुद्दे है, हर विधानसभा सीट पर हम जा रहे हैं, हर विधानसभा के मुद्दे हम सुन रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ के मुद्दे क्या होने वाले, अभी इस सफर को रोकते हैं, आगे और बढ़ेंगे और